हेलो माय लवली पीपल वेलकम बैक टू माय चैनल और जी देखिए कोरियन स्टाइल मेकअप करने की कोशिश करूँगी आज मैं आई डोंट नो मैं उसमें कामयाब होती हूँ कि नहीं बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग और मेच्योर स्किन पे और छबी फेस पे कोरियन मेकअप कैसा लगता है ये आप लोग जज कीजिए आप लोग बताइए uh, शायद मेरे पे ना अच्छा लगे लेकिन ये मेकअप लुक अगर समाट uh, नाइस uh, स्लिम फेस करे तो बहुत अच्छा लगेगा तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस मेकअप लुक को तो एज़ यूजल हमने स्टार्ट किया है मॉइस्चराइज करने से अपने फेस को और लिप्स को और उसके बाद मैं डायरेक्ट जो है अपनी आईब्रोज़ को बनाने में जुट गई हूँ क्योंकि एज़ यूजल मेरी आईब्रोज शेप में नहीं है तो तो मैं देखिए मैंने अपनी आईब्रोज़ का क्या हाल किया है अब उसको हम थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश करेंगे ओ oh गॉड मैं कुछ भी करती हूँ यार सीरियसली आई थिंक मुझे लगता है मुझे अपनी आईब्रोज बना लेनी चाहिए शेप करवा लेनी चाहिए नहीं तो मैं यही करती रहूँगी पूरे मेकअप में तो फाइनली आई वॉज़ सेटिस्फ़ाइड तो मैंने अपना गार्नियर का टेंट ले लिया था और मैंने उसे अपनी स्किन पर लगाया और अपने ब्यूटी यू नो डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से उसको मैं ब्लेंड uh, कर रही हूँ अच्छे से अच्छे से स्किन में ब्लेंड कीजिए हाँ मैं वाइट दिख रही हूँगी कुरियन मेकअप भी वाइट होता है इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए <coughs> हम तो कोशिश कर रहे हैं कुरियन मेकअप करने की इंडियन मेकअप स्टाइल में तो हम लोग अपनी फेस को डिमेंशन काफ़ी अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं लेकिन uh, देख लीजिए मैंने ब्लेंड किया है तो मेरी अब इतनी ज़्यादा वाइट नहीं दिख रही है फेस और यहाँ मैं अपना स्विस ब्यूटी का कंसीलर लगा रही हूँ आई लव दिस कंसीलर मोर देन एनी थिंग द बेस्ट कंसीलर एवर सो ये मैंने अपना कंसीलर लगा के सेट कर लिया है अब मैं मे के फेस पाउडर से जो है पूरा फेस इंक्लूडिंग माई कंसीलर ऑन आईज आई विल सेट इट नाइसली तो ये मेरे पास एक बड़ी शिमरी सी हाइलाइटर स्टिक थी जो फेस पे तो यूज़ की नहीं जा सकती तो मैं सोचा आईज पे यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा ग्लिटरी लुक देने के लिए सो so, एक्सेस चली गई थी अबव द क्रीज़ लाइन तो मैं उसे हटा रही थी क्यू टिप से और फिर मैंने एक ब्राउन कलर का शेड लेकर देखी कैसे क्रीज पे लगाया है और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे ये देखिएगा थोड़ी देर में बिल्कुल नहीं दिखेगा बिल्कुल ब्लेंड आउट लगेगा तो ये देखिए ब्लेंड हो गया है और मैंने इसको आ, सेट कर लिया अपने फेस को ताकि जो भी एक्सेस होगा ना वो भी निकल जाएगा और जो हमारा मेकअप है वो अच्छे से सेट हो जाएगा ये मैंने लैकमे का लिक्विड आईलाइनर लिया है और ये देखिए मैं आईलाइनर लगा रही हूँ आज मैंने विंग्स नहीं बनाए हैं और देखिए कितना प्यारा सा पतला सा आईलाइनर लगाया था अब जब दूसरी तरफ लगाने गई तो मोटा हो गया अब मोटे को सेट करने के लिए फिर दूसरे को भी मोटा करना पड़ा फिर देखा कि ये ज़्यादा पतला है वो ज़्यादा मोटा है फिर दोनों को मोटा <coughs> <coughs> मोटा किया मैंने आई स्वेर और कुछ ज़्यादा ही मोटा करना पड़ा और मेरा बिल्कुल मूड नहीं था उसे वाइप आउट करके दूसरी दोबारा लगाने का क्योंकि मेरा पूरा मेकअप बिगड़ जाता तो मैंने कहा जो है सो है वैसे भी ठीक ही है कोई बात नहीं ऑल दो कुरियन मेकअप में पतला आईनर लगता है बट इट्स ओके कुछ तो हमने भी डिफरेंट करना ही था अपना इंडियन टच जोड़ना था तो ये हो गया है अब मैंने मस्कारा लगा लिया था ऑफ कैमरा और थोड़ा सा जो है ना मस्कारा लग गया था ऊपर तो मैं उसे क्यू ट्यब से हटा रही थी बहुत ईजिली हट गया था थोड़ा ड्राई होने दें उसको उसके बाद क्यू ट्यब से हटा दें हट जाता है मैं टचअप कर रही थी ग्लिटर को ये देखिए अभी भी मेरा मेकअप मेरा एलहनर जो है मोटा पतला मोटा पतला दिख रहा था मुझे तो मैं दोनों आईज अब दोबारा सेट कर रही हूँ और काफ़ी मोटा एलहना लग गया था ये ये बड़ी दिक्कत हो जाती है कई बार ऑफ द टाइम मेरा बिल्कुल सही बनता है लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया यार सो so, फाइनली दोनों आँखों में मोटा मोटा काजल लगाने के बाद मैंने क्यूटिप की सहारे से थोड़ा सा सेम ग्लिटर अपने वाटर लाइन में भी लगा लिया था और इस बार देखिए मैं ब्लश कैसे लगा रही हूँ ये आईब्राउज से शुरू होकर के साइड ऑफ योर फोरहेड से शुरू होकर आपके चीक्स के सेंटर तक आता है इससे एक इससे बिल्कुल फालतू नहीं होगा और नोज़ में सेंटर में लगा लेंगे थोड़ा सा आप चिन पे लगा लेंगे थोड़ा सा आप पे पर लगा लेंगे सो दिस इज़ हाउ इट इज़ सपोज टू बी डन और ये मैंने ऊपर से हल्का सा शिमर भी लगा दिया है क्योंकि हम हाइलाइटर नहीं लगाएंगे और ये मैंने कुरियन स्टाइल लिक्विड लिपस्टिक लगाई है पर मुझे लग रहा है कि ये कुछ ओवरबोर्ड हो गई थी मेरे लिए क्योंकि मैंने इसके ऊपर जब वो लगाया ना क्या कहते हैं उसे ग्लॉस hmm, तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिखने लग गई थी बट देन आई गेस विदाउट द ग्लॉस कोरियन मेकअप इज़ इनकम्प्लीट सो ये देखिए हमने ग्लॉस लगा दिया है और फेस को सेट कर रहे हैं चिन चिन को काउटोर करूँगी अभी मैं बस चीक को मैंने नहीं किया है और ये मैंने हल्का सा जो है शिमर अपने नोज पे और माथे वगैरह पे भी लगा दिया है मेरा एनर लग गया था उसको मैं हटा रही हूँ और बस ये हो गया था हमारा मैंने बाल खोल लिए थे कोम नहीं किए क्योंकि मेरे बाल खोली हैं और ये देख लीजिए ये मेरा लुक था फ़ाइनल अब आप मुझे बताइए कि ये मेच्योर स्किन पे और चबी फेस पे कोरियन मेकअप लुक कैसा आपको लगा क्या ये वर्थ है नहीं है तो बता बताइएगा और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा